देश में कोरोना संक्रमण से लगभग 74,000 मौतें, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 43,67,000 हुई। अचानक लॉकडाउन लगाने पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा असंगठित क्षेत्र के लिए मृत्युदंड साबित हुआ लॉकडाउन। मुंबई में बीएमसी की टीम ने एक्टर कंगना रनौत के बंगले पर जेसीबी चलाया, कंगना पहुंची हाईकोर्ट। कोरोना मरीजों को बचाने में प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं, आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों पर लगी पाबंदी में केंद्र सरकार ने रियायत दी, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 21 सितंबर से खोलने की इजाजत। दिल्ली में कोरोना जांच के लिए अब डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र लेकर जाने पर हो जाएगी जांच। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई। विद्या बालन, सोनम कपूर, अनुराग कश्यप समेत कई एक्टर रिया के समर्थन में उतरे। डीएमआरसी ने येलो लाइन के बाद ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो की सेवा शुरू की, लेकिन सिर्फ सुबह शाम चलेगी मेट्रो। और कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रायल रोका, एक शख्स की बीमारी के बाद रोका गया ट्रायल।